हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड ECS T10 रेजिडेंट सीरीज के जो मैच नंबर 29 खेला जाएगा USGC वर्सेस BER के दरमियान में। दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। USGC और BER के टीम ने अभी तक इस सीरीज के जितने भी मैचेस खेले हैं सारे मैचेस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों USGC के टीम ने अभी तक इस सीरीज के 2 मैचेस कंप्लीट खेल चुके हैं और जिसमें से दोस्तों इस सीरीज के खेले गए मैच में कौन से खिलाड़ी ने ओपन करा है, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट डाउन पे खेलते हुए नजर आए, दोस्तों जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि कौन से बॉलर कंप्लीट 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस आपके टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के सबसे बेस्ट चॉइस देने वाला हूं जिसकी मदद से आज यहां पे आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के शानदार टीम तैयार कर सकते हो। दोस्तों कौन से ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा, यहां का पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, कौन से टीम के जितने के ज्यादा चांस रहेंगे उस टीम से हम लोग मैक्सिमम खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राई करेंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर इस मैच का। तो अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना ताकि इस मैच का आपको पूरी डिटेल्स मिल पाएगा और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइस, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। देखो अगर चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम दे दिया जाता है। काफ़ी यूज़र ने ज्वाइन कर लिया है, आई थिंक आपको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। देख सकते हो 21,000 प्लस यूज़र ने ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। और इसी यूट्यूब चैनल का दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो सेकेंड चैनल है ये आप याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है क्योंकि वीडियो तो आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार के अपडेट आते हैं फाइनल अपडेट टॉस के बाद तो आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में पहला लिंक दे दिया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी पिन कर दिया है, दो जगह लिंक है, कहीं पे भी क्लिक करके इस ग्रुप में आप इजी ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले USGC के खेले गए जो 2 मैचेस हैं। पहले मैच में दोस्तों यहाँ पे 118 रन का इन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए टारगेट सेट किया लेकिन इनके ओपोनेंट्स टीम ने इस रन को चेस कर लिया। लेकिन सेकेंड मैच की बात करेंगे तो इन्होंने 98 रन का टारगेट यहाँ पे सेट करा था लेकिन इनके ओपोनेंट्स टीम ने इस रन को चेस नहीं कर सका। ओवरऑल देखोगे 2 मैच खेले हैं, 1 मैच विन किए हैं और 1 मैच लॉस करते हुए दिखे हैं। देखो यहाँ पे जो आपको ओपन करते हुए दिखेंगे गोपीनाथ जो कि टीम के ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में ओपन करते हुए 26 रन का पारी खेला, फिर उन्होंने 3 रन का पारी खेला। दोस्तों टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और यही कारण है कि इनको अपने टीम में लेना होगा। बाकी राजेश की बात करेंगे तो 4 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 9 रन स्कोर किए थे पहले मैच में और 1 विकेट निकाले, 25 रन खर्च करते हुए दोस्तों काफ़ी बढ़िया ये बॉलिंग भी करते हुए दिखे थे। दूसरे मैच में 3 रन स्कोर किए थे और 1 विकेट निकाले, देखो ये आपको 4 रन पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, टीम का मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है। लेकिन हाँ गेंदबाजी की बात करेंगे तो कंप्लीट 2 ओवर डालेंगे, तो यही चीज़ है दोस्तों कि ये खिलाड़ी और भी इंपॉर्टेंट बनाता है इनको। बाकी संदीप को ड्रॉप करते हुए चलेंगे, वहीं अगर सचित रेड्डी की बात करेंगे देखो यहाँ पे 20 रन खर्च किया था इन्होंने, विकेट नहीं मिला, फिर उन्हें 10 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले। देखो ये आपको पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, टीम के ये मेन बॉलर है और आपको अपनी टीम में रखना जरूरी रहेगा। वरुण की बात करेंगे सेकेंड राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए 20 रन यहाँ पे बनाया था, फिर यहाँ पे 22 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं, टीम के सेकेंड राउंड का बैट्समैन है, प्लस आपको यहाँ पे पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं। अब्दुल बसीर की बात करेंगे, थर्ड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बनाए थे, यहाँ विकेट इनको नहीं मिला, फिर 1 रन बनाए थे यहाँ पे भी विकेट नहीं निकल पाए। लेकिन एक बात याद रखना, इनका सिलेक्शन कम जरूर रहेगा लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक बात पता चलेगा, टीम का थर्ड डाउन का खिलाड़ी है, ज़्यादा लेट बैटिंग नहीं करेंगे और प्लस यहाँ आपको आपको 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, 2 मैच में विकेट नहीं मिला है और कुछ बड़ा रन अभी तक बना नहीं पाए हैं, यही कारण इनका सिलेक्शन काफ़ी कम रहता है और इनका फायदा आप उठा सकते हो। बिल्कुल अगर आपको अंदर से लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल ईजी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बात करोगे इनके बारे में, देखो टीम का ओपनर बल्लेबाज है, दोनों मैच में काफ़ी बड़े स्कोर करा इन्होंने और अभी तक देखोगे तो बेस्ट स्कोरर रहे अपनी टीम की तरफ से और इस बंदे को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, स्कोर दोनों मैच का आपके सामने है। बाकी इनको अगर देखोगे तो 13 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला है। जियन खान की बात करेंगे, फर्स्ट रन पे बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बनाए थे, फिर 14 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। वहीं बात करें अदित के बारे में तो दोस्तों पहले मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाला 12 रन खर्च करते हुए, फिर उन्होंने 19 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट इसमें निकाले हैं। देखो टीम का पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और इंपॉर्टेंट बॉलर है और आप इनको मिस नहीं कर सकते हो।
बाकी बात करें यहाँ पे गाइस मोहन के बारे में दोस्तों, इनका स्टेट देख सकते हो आपके सामने, पहले मैच में 27 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला, फिर 5 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं दोस्तों। ये था यहाँ पे यूएसजीसी के स्टेट्स जो कि अभी तक 2 मैचेस में करा है। लेकिन सेकेंड टीम की बात करेंगे बीईआर के टीम के बारे में। देखो पहले मैच में इस टीम ने चेजिंग करते हुए जीता, दूसरे मैच में भी चेजिंग करते हुए जीते हैं, और यहाँ पर अगर थर्ड मैच की बात करेंगे, हालांकि खेलने 4 मैचेस चाहिए था लेकिन एक मैच बारिश के कारण अवॉइडेड रहा है, लेकिन थर्ड मैच में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बीईआर टीम ने यहां पे फिर से विन किए हैं, डीएलएस मेथड से ही विन किए हैं, लेकिन विन किए हैं दोस्तों। अभी तक ओवरऑल 3 मैचेस में खेलते हुए तीनों मैचेस में विन किया है, और यही कारण है मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस टीम से बीईआर के टीम से मैक्सिमम खिलाड़ी को ट्राई करेंगे और ये टीम के जीतने के भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो टीम है यहाँ पे जो आपको ओपन करते हुए देखेंगे, रोहित ग्रोवर जो कि टीम का ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में 2 रन स्कोर किए थे, फिर यहाँ पे 40 रन, फिर 64 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। देखो टीम का ओपनर बल्लेबाज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी बात करेंगे अभिलाष के बारे में, सेकेंड राउंड का खिलाड़ी है, पहले मैच में दोनों यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग के दोनों मैच में ये बंदा फ्लॉप रहा है। करण सिंह 6 राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए बैटिंग से तो फ्लॉप था, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट निकाले, फिर इन्होंने 1 विकेट निकाला। देखो टीम का बहुत ही सुपर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कंप्लीट 2 ओवर बॉलिंग डालेंगे। प्लस यहाँ पे बात करेंगे मनीष के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैच में देखो फ्लॉप थे, फिर यहाँ पे 12 रन स्कोर किए हैं। साहिल लाल की बात करेंगे, 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए बंदा फ्लॉप रहा है। वही इनके बारे में बात, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं है। इमरान बुखारी की बात करेंगे तो 7th राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बना के 1 विकेट निकाले, 15 रन खर्च किए थे पूरे ओवर में, फिर उन्होंने 2 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहे हैं। देखो ये आपको कंप्लीट 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, टीम के मेन बॉलर है और आपको लेना भी होगा। बाकी नागा की बात करेंगे तो 5th राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए 5 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं, फिर 8 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर 22 रन खर्च किए थे, यहाँ पर विकेट नहीं निकाल पाए। लेकिन एक बात याद रखना, कंप्लीट आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे और आपको लेना जरूरी रहेगा इस खिलाड़ी को। बाकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आशीष जफर के बारे में, तो 3rd राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए बैटिंग से तो फ्लॉप था, लेकिन बॉलिंग से 1 विकेट निकाला, फिर 5 रन बनाए थे, यहाँ पे विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन बना के 1 विकेट निकाला। निक की बात करेंगे तो ओपनर बल्लेबाज है, और याद रखना कैप्टनसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदा इनको बनाता है। रीजन यहाँ पे देख सकते हो, टीम का ओपनर बल्लेबाज है, 51 रन स्कोर किए थे, पहले मैच में 3 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे 13 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे 40 रन बना के 1 विकेट निकाला। दोस्तों कैप्टनसी के लिए सबसे सुपर रहने वाला ये खिलाड़ी, और बिल्कुल अपने टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी बात करेंगे एलेक्स स्मिथ के बारे में, तो पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में बंदा यहाँ पे फ्लॉप रहा है। वही बात करेंगे विमल के बारे में दोस्तों, यहाँ पे 5 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे अगर बात करें रूबेन के बारे में तो सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 10 रन यहाँ पे बनाए थे। तो दोस्तों ये था यहाँ पे बीईआर और दोस्तों यूएसजीसी के खेले गए स्टेट्स। दोस्तों सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर के साथ आपने जानकारी लिया है, और सारे खिलाड़ी को देखते हुए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ है। दोस्तों आप समझ सकते हो कि बेस्ट टीम तैयार किया हुआ है जो आपको अपने टीम की ओर लेके बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से सारे प्लेयर्स का स्टेट्स लाते रहता हूँ। और हाँ, अगर इसी प्रकार स्टेट्स आने वाले मैचेस का आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। बाकी चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर से। देखो सारे खिलाड़ी का स्टेट्स आपने देख लिया है वीडियो में ऑलरेडी, बैटिंग ऑर्डर के साथ इस सीरीज के सारी परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी चॉइस बताया। हालांकि अभी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट डेमो टीम तैयार करेंगे जो कि आपको 80% सेम रहेगा, याद रखना 80 से 90% सेम टीम रहेगा। हाँ, लाइनअप आने के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी खेलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस होते आपको दिखेगा, जो आपको फाइनल अपडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे यूएसजीसी की टीम की तरफ से इनको लेते हुए चलो, देखो मैंने आपको रीजन बताया है इनको लेने का मतलब। बाकी अगर आप चाहो तो इनको ले सकते हो जीएल के लिए। हाँ, जीएल में अगर आप यहां पे 6 टीम क्रिएट कर रहे हैं तो दोस्तों तब यहां पे इन दोनों को भी ले सकते हो। अगर आप 6 टीम क्रिएट कर रहे हैं तो ओनली इसको ट्राई करना, हाँ इनको ड्रॉप करते हुए चलना जीएल में भी, क्योंकि कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं है, इनको बिल्कुल लेते हुए चलेंगे यहां पे सेफ टीम के लिए। बाकी बात करेंगे बैटिंग के बारे में, मैंने दोस्तों यहां पे 4 बैट्समैन को लिया हुआ है। देखो यूएसजीसी के टीम की तरफ से अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने 3 खिलाड़ी को लिया हुआ है मात्र, इनका अभी सिलेक्शन देखोगे तो काफी कम है, लेकिन इनका अगर रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी पास है, तो इनको लेते हुए चलेंगे। बाकी अर्क ग्रोवर को ट्राई करेंगे जो बीईआर के टीम की तरफ से मैंने पहले कहा था बहुत ही सुपर बल्लेबाज है दोस्तों, अभी तक इस सीरीज में काफी बढ़िया परफॉर्म किए हैं और इन दोनों को आप मिस नहीं कर सकते हो, अभी तक बहुत ही शानदार अभी तक खेलते हुए दिखे। बाकी केसिंग को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ जीएल में ट्राई करना, हम लोग इनको अभी फिलहाल ड्रॉप करेंगे स्मॉल लीग से, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया, इनका सिलेक्शन काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी हम लोग अभी ड्रॉप करते हुए
चलेंगे। बाकी बात करेंगे ऑलराउंडर के बारे में, दोस्तों मैंने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी को लिया हुआ है, अबुकारी को ट्राई किया हुआ है, यूएसजीसी की टीम की तरफ से इनको अपने टीम में लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे एन मोहम्मद को लेते हुए चलेंगे, बीईआर की टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना बीईआर की टीम की तरफ से इन्होंने 5 विकेट निकाला है, अगर ये खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच नहीं खेला यही कारण इनको अभी ड्रॉप करते हुए चल रहे हैं। बाकी बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग के बारे में, तो 3 बॉलर को मैंने लिया हुआ है यूएसजीसी की टीम की तरफ से, ये मेन बॉलर है, आपको पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। ये जफर भी बहुत ही सुपर बॉलिंग करते हैं दोस्तों और अपने टीम के मेन बॉलर है, और यहाँ पे बीईआर की टीम की तरफ से इस बॉलर को लेते हुए चलेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर फिलहाल टीम प्रीव्यू देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, और जिसमें से कैप्टनसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदा ये रहने वाला है। बाकी वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे दोस्तों, इनको लिया हुआ, बाकी अगर आप सेफ जाना चाहते हो, अगर यहाँ पे सेफ वाइस कैप्टनसी की अगर ऑप्शन चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ रहने वाले हैं इनको, रीजन भी मैंने बताया, अगर आप सेफ टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। आर ग्रोवर भी अच्छा चॉइस है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग टीम क्रिएट कर रहा हूँ, याद रखना अगर आप सेफ रहेंगे तो इन दोनों को ले सकते हैं, और मेरे साथ जाना चाहते हैं इनको ले रहे हैं, लेकिन फाइनल टीम में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको नजर आ सकता है, जो आपको लाइनअप आने के बाद टीम आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।